हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्वर वर्ण अ के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्वर वर्ण ओ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग अपनी किताब में से पेज नंबर 9 निकाल लीजिए और देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बच्चों, ये है स्वर वर्ण ओ। क्या है बच्चों? ओ। अब हम लोग ओ से बोली जाने वाली कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ओ से ओर, ओर, ओर। ओर मतलब समर्थन करना या किसी की तरफ रहने को कहते हैं। ओट, ओट, ओट। ओट मतलब छिपने की आड़। जब कोई किसी चीज़ या वस्तु के पीछे छिपता है तो उसे ओट कहते हैं। ओस, ओस, ओस। ओस मतलब वो छोटी छोटी बूंदे जो हमें सवेरे धरती पर या फिर पेड़ पौधे पर दिखाई देती है। ओट, ओठ, ओठ। ओठ मतलब लिप्स। ओ से ओला, ओल आ ओला। ओला मतलब वो बर्फ जो वर्षा के समय होता है। ओढ़नी, ओ अड़न ई ओढ़नी। आओ, आओ, आओ। जब कोई किसी को अपने पास बुलाता है तो आओ कहता है। जाओ, ज आओ, जाओ। जब कभी हम किसी को अपने से दूर जाने को बोलते हैं तो क्या कहते हैं? जाओ। अब देखिए बच्चों, ऊपर दो चित्र दिए हुए हैं। बच्चों, ये पहला चित्र किसका है? ये है ओखली, ओ ख ल ई ओखली। बच्चों, ओखली मतलब काठ या पत्थर का बना हुआ वो बर्तन जो मसाला कूटने के लिए या फिर कोई अन्य चीज कूटने के लिए होता है। ओ से ओढ़नी, ओ अढ़न ई ओढ़नी। ओढ़नी मतलब वो दुपट्टा जिसे हम ओढ़ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों, आप सभी को ये सारे शब्द अच्छे से पढ़ के उन्हें याद करना है। ठीक है बच्चों? अब देखिए बच्चों, नीचे क्या प्रश्न दिया हुआ है। इनके दो दो शब्द लिखो। बच्चों, यहाँ पर 5 वर्ण दिए हुए हैं। आ, ई, उ, ए, ओ। देखिए बच्चों, आ से क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं। आ से आज, आ से आम। ठीक इसी तरह बच्चों, बाकी बचे हुए वर्णों से भी आप सभी को दो दो शब्द लिखकर ये उत्तर पूरा करना है। ठीक है बच्चों? बच्चों, अब आप लोग नेक्स्ट पेज में आइए और देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बच्चों, ये है ओ और ये है ओ की मात्रा। अब हम लोग ओ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। डोर, ड ओर, डोर। डोर मतलब धागा। गोल, ग ओल, गोल। गोल मतलब राउंड। बच्चों, ये क्या है? ये है गोल। ठीक है बच्चों? तोता, त ओ त आ तोता। तोता मतलब पैरोट। बच्चों, ये किसका चित्र है? यही है पैरोट मतलब तोता। छोला, छ ओ ल आ छोला। छोला मतलब चना जो एक प्रकार की दाल है जिसे हम लोग खाते हैं। ठीक है बच्चों? डोसा, ड ओ स आ डोसा। डोसा मतलब चिला जो एक खाने की चीज है। घोड़ा, ख ओ अड़ आ घोड़ा। घोड़ा मतलब हॉर्स। झोला, झ ओ ल आ झोला। झोला एक प्रकार का थैला होता है जो कपड़े का होता है। थोड़ा, थ ओ अड़ आ थोड़ा। थोड़ा मतलब कम। दोना, द ओ न आ दोना।
बोना, ब ओ न आ बोना। बच्चों, आप लोग तो अपने घर में पेड़ पौधे लगाते ही होंगे। बच्चों, जो बीज होते हैं जब उन्हें हम लोग मिट्टी में डालते हैं उसे बोना कहते हैं। मोटर, म ओ ट र मोटर। ढोलक, ठ ओ ल क ढोलक। ढोलक मतलब ड्रम। कटोरी, क ट ओ र ई कटोरी। कटोरी मतलब जहाँ खाने की चीज़ें डालकर हम लोग खाते हैं उन छोटी छोटी बर्तनों को क्या बोलते हैं? कटोरी। रसोई, र स ओ ई रसोई। हम सभी के घर में जहाँ खाना बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? रसोई। जोकर, ज ओ कर जोकर। जोकर मतलब तो बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, जो हंसाता है, जिसके कपड़े रंग बिरंगी होती है उसे क्या कहते हैं? जोकर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ऊपर कुछ चित्र दिए गए हैं। ये पहला चित्र किसका है बच्चों? ये है ढोलक, ढ ओ ल क ढोलक। ये किसका चित्र है बच्चों? ये है तोता, त ओ त आ तोता। तोता मतलब पैरोट। ये किसका चित्र है बच्चों? ये है कोट, क ओ ट कोट। ये किसका चित्र है बच्चों? ये है मोर, म ओ र मोर। मोर मतलब पीकॉक। बच्चों, आप सभी को ये सारे शब्द अच्छे से पढ़कर इन्हें याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। शब्द पूरे करो और लिखो। बच्चों, इस सर्कल के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है। ये है मो, मोर मिला के क्या हुआ? मोर। मो त ई मिला के मोती। मोटर मिला के मोटर। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट सर्कल के अंदर ये क्या लिखा हुआ है? गो, गोल मिला के क्या हुआ? गोल। गोट आ मिला के गोटा। गो भ ई मिला के गोभी। ठीक इसी तरह से बच्चों, आप सभी को अपने किताब में ये उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों, बच्चों अब आप लोग नेक्स्ट पेज में आइए। अब हम लोग तोता और मोर पढ़ेंगे। त ओ त आ तोता और मोर, म ओ र मोर। एक, एक एक पेड़, प ए अड़ पेड़। पर, दो पक्षी, पक्ष ई पक्षी। पक्षी मतलब चिड़िया। रहते, रह त ए रहते। थे, थ ए थे। एक पेड़ था और उसमें दो पक्षी रहता था। एक था मोर, म ओ र मोर। देखिए बच्चों, यहाँ पर मोर का चित्र दिया हुआ है। और दूसरा, द ओ स र आ दूसरा तोता। त ओ त आ तोता। ये किसका चित्र है बच्चों? ये है तोता। तोते, त ओ त ए तोते। का, घर, पेड़। प ए अड़ पेड़। पर, था। तोते का घर कहाँ था बच्चों? पेड़ पर। वो तोता कहाँ रहता था? पेड़ पर। मोर, म ओ र मोर। नीचे, न ई च ए नीचे। धरती, ध र त ई धरती। पर, नाचता। इसका मतलब क्या है बच्चों? जो मोर है वो धरती पर नाचता था। वो रात को पेड़ पर सोता, और जब रात हो जाती थी तब मोर पेड़ पर सोता था। मोर और तोता मित्र, मित्र मतलब दोस्त, बन गए।
जो मोर और तोता थे वो दोस्त बन गए थे। एक दिन मोर को भूख लगी। एक दिन की बात है जब मोर को क्या लगी थी, भूख। उसने तोते तोते से कहा, मुझे भूख 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 लगी है। मोर ने तोते से क्या कहा, उसे भूख लगी है। तोता तोता बोला, लो ये फल खाओ। जब मोर को भूख लगी तो तोते ने उसे एक फल खाने को दिया। आज सुबह बगीचे मतलब उपवन से लाया था तोता वो फल बगीचे से लाया था। खाओ खाओ। मोर ने पूछा, तुम ना खाओगे? मोर ने तोते को पूछा कि तुम नहीं खाओगे? तोता बोला, एक तेरा एक मेरा। तोते ने क्या बोला, एक फल तुम खाओ और एक मैं खाऊंगा, तुम मेरे मित्र हो। तोते ने बोला, तुम मेरे दोस्त हो। किसको बोला, मोर को। चलो हम साथ साथ खाते हैं। तोते ने बोला, चलो हम दोनों अब साथ साथ खाते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग इसे फिर से एक बार पढ़ेंगे। तोता और मोर, एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे। एक था मोर और दूसरा तोता। मोर और तोता कहाँ रहते थे, पेड़ पर। तोते का घर पेड़ पर था। तोते का घर कहाँ था, पेड़ पर। मोर नीचे धरती पर नाचता। मोर कहाँ नाचता था, धरती पर। वो रात को पेड़ पर सोता। मोर रात को कहाँ पे सोता था, पेड़ पर। मोर और तोता मित्र बन गए। एक दिन मोर को भूख लगी। उसने तोते से कहा, मुझे भूख लगी है। तोता बोला, लो ये फल खाओ। तोते ने मोर को क्या खाने को दिया था, फल। आज सुबह बगीचे से लाया था। खाओ खाओ। तोता वो फल कहाँ से लाया था, बगीचे से। मोर ने पूछा, तुम न खाओगे? तोता बोला, एक तेरा एक मेरा, तुम मेरे मित्र हो, चलो हम साथ साथ खाते हैं। बच्चों, इसे पढ़कर हमें क्या पता चलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप सभी को बच्चों इसे अच्छे से पढ़ के इसे याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग नेक्स्ट पेज में आइए। बच्चों देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, सही शब्द लिखकर उत्तर पूरे करो। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जमीन, मोर, पेड़, फल, तोता। बच्चों आप सभी को ये सारे शब्द उसके सही प्रश्न के उत्तर में लिखकर इसे पूरा करना है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, पेड़ पर कौन कौन रहते थे। उत्तर क्या होगा बच्चों, पेड़ पर तोता और मोर रहते थे। ख में देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, मोर कहाँ नाचता था।
मोर कहाँ नाचता था बच्चों? जमीन पर। मोर जमीन पर नाचता था। ग में देखिए बच्चों क्या प्रश्न लिखा हुआ है। मोर कहाँ सोता था? मोर कहाँ सोता था बच्चों? पेड़ पर। पेड़ पर सोता था। ख में देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। तोते ने मोर को क्या दिया? तोते ने मोर को क्या दिया था बच्चों? फल। और हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? फल। तोते ने मोर को फल दिया। ठीक इसी तरह से बच्चों आप सभी को अपने किताब में ये उत्तर ठीक से लिखना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। चित्र में रंग भरो, नाम लिखो। बच्चों ये पहला चित्र किसका है? ये है तोता। और ये दूसरा चित्र किसका है? ये है मोर। आप सभी को इन दोनों चित्र में सुंदर सुंदर रंग भरना है और साथ ही साथ इनके नाम भी लिखना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों आप सभी को ये सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, लिखना है और इन्हें याद भी रखना है। धन्यवाद।